वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो एनडीए की टाली कमजोर नजर आ रही है। पिछले आम चुनाव में 17 सीट जीतने वाली भाजपा इस बार 12 पर चली आई है। वहीं जनता दल यूनाइटेड अपने 16 सांसदों की संख्या से इस बार घटकर 12 पर रह गई है। पर इन सबके बीच आज हम बात करेंगे उन सीटों की जहां नरेंद्र मोदी की रैली हुई। हम जानेंगे कि उन सीटों पर क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा काम किया या ब्रांड मोदी पास हुआ या फिर कमजोर हुआ। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। आपको बता दें कि बिहार में न सिर्फ एनडीए की सीट घटी है बल्कि एनडीए के प्रत्याशी उन सीटों पर हारे भी हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाएं और रैलियां की थी। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी 8 बार बिहार आए और कुल 15 से ज्यादा सभाएं की। पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़क किनारे छतों पर मौजूद रहे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी की ओर से भव्य तैयारियां भी की गई। दो बार रात्रि विश्राम के लिए पीएम मोदी पटना में भी रुके। इसके बाद भी बिहार में बीजेपी कुछ सीटों पर हार गई। चर्चा सबसे ज्यादा पटना की हुई क्योंकि मोदी सबसे ज्यादा वक्त पटना में बिताए, पर पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी की हार हुई। यहां से आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती की जीत हुई। इसके अलावा पूर्णिया, बक्सर, काराकाट जैसी सीटें भी शामिल हैं, जहां पूर्णिया से पप्पू यादव, बक्सर से आरजेडी नेता सुधाकर सिंह और काराकाट से राजाराम सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पूरी ताकत झोंक दी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने बिहार में अपनी पहली जनसभा जमुई में। इसके बाद 7 अप्रैल को नवादा में जनसभा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल को गया और पूर्णिया में रैली की। 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर में जनसभा किया। 4 मई को दरभंगा में, 12 मई को पटना में रोड शो करके सियासी माहौल बनाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने 13 मई को हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर में रैली की। 21 मई को सिवान और मोतिहारी में जनसभाएं की। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से ज्यादा जनसभाएं और रैलियां की। वहीं अगर बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो पीएम 9 बार बिहार आए थे, 11 जगह पर जनसभाएं की थी। इन सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो इस चुनाव में 5 बार बिहार आए। इस दौरान 11 लोकसभा सीटों पर सभा की। औरंगाबाद, आरा, सासाराम, काराकाट और कटिहार सीटें जहां अमित शाह ने रैली की थी, इन सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की हार हुई। औरंगाबाद से आरजेडी नेता अभय कुमार सिंह, आरा से सीपीआईएमएल के सुदामा प्रसाद, सासाराम से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार, काराकाट से राजाराम सिंह और कटिहार से तारिक अनवर ने जीत हासिल की। राष्ट्रीय जनता दल, जो पिछले चुनाव में 0 पर सिमट गई थी, वो इस दफा 4 सीट निकालने में सफल रही। लोजपा अब 2 फाड़ हो चुकी है। एलजेपीआर रामविलास के नेतृत्व कर रहे चिराग पासवान इस बार 1 सीट कम पर चुनाव लड़े। चिराग सभी 5 सीट जीतने में सफल साबित हुए। पिछले चुनाव की तुलना में राज्य में नई टैली सीपीआईएमएल की बढ़ी है। वो 0 से बढ़कर इस बार 2 पर पहुंच आई है। एक निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की भी जीत हुई है। वहीं 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीवन राम मांझी के हिस्से आई है। इस तरह बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 30 सीट पर एनडीए की जीत हुई और इंडिया गठबंधन से जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या 9 है। चूंकि पप्पू यादव अपने आप को बारहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मुरीद बताते हैं और चुनाव से एन पहले उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, सो बहुत मुमकिन है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं और इस तरह इंडिया गठबंधन का बिहार में नंबर 10 पहुंच जाए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।